मंटी सिंदूर ला। ट्रॉली में क्लीम। तेरे क्या लगा रहा है रॉनी? जल्दी कर। क्लीम नो नो नो। मेरे बच्चे क्या हो रहा है? तो ठीक तो है? पापा, ये रॉनी का बच्चा मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा था। ओ साइंटिस्ट पिजेट, अबे तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। आज तो फिर भी हम चार हैं। चुपचाप साइड में बैठ जा और शादी देख, समझा? मैंने कहा छोड़ो मुझे। अबे तो इतना बेचैन क्यों हो रहा है भाई? अपनी शादी पे फोकस करना, यहाँ मेरी शादी में टांग अड़ाने क्यों आ गया? ओके, साइंटिस्ट साहब को दोनों हाथों में लड्डू चाहिए गाइस। एक हाथ में जिससे शादी हो रही है वो घर वाली, और अपनी गुनगुन बाहर वाली। अंकल आप बड़े अजीब हो। नहीं मतलब जिस लड़के ने आपकी आपकी लड़की की आपके परिवार की इतनी बेइज्जती करी उसे आप साथ नहीं घूम रहे हो? और यहाँ ऐसा बंदा आपका दामाद बनने के लिए मरा जा रहा है और आप चिल्ला रहे हो छोड़ो मुझे। देखो जेन्युइन आदमी की इस दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है। गुनगुन बताओ अपने बाबा को कि मैंने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करी है। अरे मैं तो प्यार से और रिस्पेक्ट से तुम्हें सिंदूर लगा रहा था। बताओ। मेरे हाथ को छोड़ दो। तेरे से ज्यादा रिस्पेक्ट से मैं तेरा बैंड बजाता हूँ। जो तू कर रहा है ना रणविजय, ये बहुत बड़ा क्राइम है। मेरी बेटी के भोलेपन का पूरा फायदा उठा रहा है तू। पापा, इसने मुझे कहा था कि ये एक मंदिर है जहाँ पे सबकी विशेस पूरी होती है। मैं तो सिर्फ पूजा करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। चाहने में और होने में बहुत लंबा फासला होता है गुनगुन। और मैं अपने परिवार की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं इस गधे को ये फासला तय करने नहीं दूंगा। पंडित जी जाइए यहाँ से। जाना तो चाहते हैं बेटा पर ये लोग। ओए पंडित, शादी कराएगा तो चल के जाएगा और नहीं कराएगा तो एम्बुलेंस में जाएगा। बैठ नीचे। कसूर जी और साइंटिस्ट जी, अब ये शादी आप दोनों की आंखों के सामने होगी। आप आशीर्वाद दोगे और तेरा मन करे कोई सैड सॉन्ग गा लियो। राशि रागिनी, गुनगुन को मंडप में बिठाओ। नहीं, चलो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। रुक जाओ रणविजय, मैं कह रहा रुक जाओ। छोड़ो मुझे। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, मैं लोटस रिसॉर्ट के बाजू वाले टेंपल में हूँ। अबे गधों पकड़ो ससुर जी को, यहाँ मेरी और मेरी बेटी की जान खतरे में है। अगर आप लोग जल्दी नहीं आए तो जरूर किसी न किसी की जान जाएगी। छोड़ो मुझे। Ugh!
इतना प्यार शादी में नहीं होता, उतना प्यार हो तुम्हारे ब्रेकअप में। ये तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है और तुम इसी का साथ दे रही हो। कि तुम दोनों बाप बेटी पागल हो क्या? काशी, उन दोनों को मंडप में बिठाओ। पंडित जी, मंत्र पढ़ो। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपित जम्बू फल चार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कार्य कमुना। गुनगुन अब मेरी पत्नी है। मैंने मंदिर में माता रानी के सामने मंत्रों की पवित्र आवाज में गुनगुन की मांग में सिंदूर भरा है और ये बात को तेरे जैसा गधा भी जानता है रॉनी। ये रिश्ता एक बार बनता है, हाथ एक बार थमा जाता है और सिंदूर एक बार भरा जाता है, और वो मैंने भरा है। क्या अनुभव कहीं चला गया? लेकिन कहां, कुछ बता के नहीं गया? हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूं। मेरी और अनुभव की शादी रोकने के लिए गुनगुन ने ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो इतनी स्मार्ट नहीं है, और वैसे भी कुछ ही घंटों में हमारी शादी होने वाली है। अब कोई क्या कर लेगा? मेरे एक फ्रेंड की शादी में भी ऐसा ही हुआ था। अचानक दूल्हा गायब हो गया और फिर मालूम पड़ा वो अपनी एक्स को बचाने रेलवे स्टेशन गया था। कहीं गुनगुन ने ऐसा ही कुछ प्लान तो नहीं बनाया? वो ये शादी तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फोन उठाओ। रिलैक्स आकृति, जरूरी नहीं है कि जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो। आई एम श्योर अनुभव कहीं और होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। गुनगुन ऐसे स्टंट्स कर सकती है। मेरी गुनगुन ऐसी नहीं है। जिनके खुद के दिल में चोर होता है उन्हें सब लोग चोर ही लगते हैं। ऐसी घटिया और गिरी हुई हरकत सिर्फ तुम और तुम्हारे पापा ही कर सकते हैं, मेरी गुनगुन नहीं।
मेरी गुनगुन, वो तो एक बच्चे की तरह मासूम है। गुनगुन का गुणगान करना बंद कीजिए। अगर उसकी वजह से मेरी शादी में कोई प्रॉब्लम आई ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कभी कभी इत्तेफाक से स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।